राजा राम गुरु श्राम दास। किंतु कोई यदि गौर सुंदर के चरण में अपने को समर्पित करे बल्कि सहज रूप में राधा जी के चरण कमल की प्रेम प्राप्ति हो जाती है। विशेष करके इस कलयुग में जो महाप्रभु यह प्रेम के जो है प्रदान करते जा रहे हैं और किसी अवतार में ये प्रेम प्रदान नहीं की गई है। यह प्रेम जो है एकमात्र कलयुग में जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। यही चैतन्य महाप्रभु के जो है अवदान और वैशिष्ट्य के बारे में कहा जाता है, क्योंकि महाप्रभु के अवदान वैशिष्ट्य के बारे में जब हम आलोचना करते हैं तो महाप्रभु जगत जीवों के दिया क्या चीज, जैसे आप लोग नवद्वीप धाम में आए हैं किस लिए आए हैं, उद्देश्य क्या है। क्योंकि कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए पहले उद्देश्य बनाना पड़ता है, हम क्या चाहते हैं, एम एंड ऑब्जेक्ट है। हमारे जीवन की उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्ति करना हम चाहते हैं। प्राप्ति हम चाहते हैं जो राधा दास हमें प्राप्ति हो, किंतु ये राधा दास जो अत्यंत दुर्लभ कहा गया था, तथापि चैतन्य महाप्रभु जीव के हृदय में आशा संचार कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आशा संचार कर रहे हैं। ये जीव यदि किसी भी प्रकार से एक बार महाप्रभु के तरफ मोड़ ले, अपने गर्दन को कहाँ पर मोड़ना है, महाप्रभु के तरफ, महाप्रभु के तरफ एक बार गर्दन के मोड़ ले तो महाप्रभु कृपा करके ऐसे दुर्लभ वस्तु के दे देंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु करुणा की घन मूर्ति कहा गया, एम्बोडिमेंट ऑफ करुणा, कंपासन, कंपासन है, करुणा की घन मूर्ति है। वो देने के लिए तरस रहे किंतु लेंगे कौन है। इसलिए कहते हैं महाप्रभु के प्रेम लेने वाले जगत में बहुत विरल कहा गया, विरल समझते हो, विरल किसी कहा जाता है, रेयर, सब ले नहीं पाते हैं। किंतु महाप्रभु इस प्रेम को जो है जबरदस्ती दे रहे हैं, महाप्रभु जबरदस्ती प्रेम को दे रहे हैं। जारे देखे तारे देन प्रेम बिलाइया, जिसको देखते हैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु उसको देते जा रहे हैं, और जो लेना नहीं भी चाहते हैं और चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं एमोनो दयालु आछे कौन जन, एमोनो दयालु ऐसे दयालु व्यक्ति कौन होगा। राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे, एवे अस्त्र ना धरिल प्राणिकारो ना मारिल, हरि नाम दिया करिल सुधार। कृष्ण के जितने भी अवतार है रामादि मूर्ति सुकला नियमित तिष्ठन नाना अवतारो मुक्रोध भुवनेशु, किंतु कृष्ण सन परम परम प्रमाण जो गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। रामादि मूर्ति सुकला नियमित तिष्ठन नाना अवतार मुकुल भुवनेशु, किंतु कृष्ण, तो कृष्ण ऐसे करुणामय जो है, वही कृष्ण करुणामय कब हुए न, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप धारण किया, महाप्रभु के रूप प्राप्त करके वह महाप्रभु के स्वरूप में आकर के वो प्रेम को जो है प्रदान कर रहे हैं, ले जाओ कौन कितना प्रेम दे सकता है।
कृष्ण जो कुछ प्रेम दिया ब्रज, ब्रज में ही प्रेम दिया, ब्रज के बाहर नहीं। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से लेकर के वृंदावन के बाहर जत्र तत्र दे देते हैं। जिस प्रकार बादल किसी प्रकार भेद नहीं करा करके है, भेद नहीं करते बादल है, पर्वत के शिखर के ऊपर वो भी बारिश करते हैं है, और जमीन पर भी बारिश करते हैं है, यहाँ तक भी मरुदान, मरुदान समझते हो क्या है, रेगिस्तान जिसको कहते हैं डेजर्ट है, रेगिस्तान में भी बारिश होती है, किंतु वहाँ पर संभावना नहीं है बारिश के बूंद, जल के बूंद वहाँ पर आ जाए। क्यों ना, वो बालू इतने धूप में वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो बूंद पड़ने के पहले ही वो क्या हो जाता है, बाष्प हो जाता है, उड़ जाता है, सोच नहीं लेता है, वो क्या हो जाता है, बाष्प होकर के उड़ करके चले जाते हैं है? किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, जिस प्रकार ये उदाहरण देते हैं जी, बहुत दूर कहीं दूर में जो है बादल छाए हुए हैं, और इसके पश्चात जो है बारिश होने लगे, कहाँ, रेगिस्तान से बहुत दूर है, 100 किलोमीटर दूर मान लिया जाए कि 200 किलोमीटर दूर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के जो है केवल समुद्र के कुल से लेकर के, माने समुद्र के तट से लेकर के 150 से 200 किलोमीटर जो है केवल वो है, मतलब घना जंगल है, खेती आदि होते हैं। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो है वो सब क्या है, सब डेजर्ट, ये आप जानते कि नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया जो है इसके मैप में देखना वो दिखाते हैं है। अच्छा, हम लोग जब प्लेन जब जाते हैं हम देखते रहते हैं है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 किलोमीटर के 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, इससे अधिक नहीं हुआ है। चारी तरफ ऑस्ट्रेलिया के चारी तरफ जो है समुद्र की चारी तरफ है 150 से 200 किलोमीटर जो है उतना डिस्टेंस से जो है वो ये रहता है, घना जंगल रहता है, क्योंकि समुद्र के जल सूर्य किरण के द्वारा घनीभूत होकर के बारिश होती है, और इसके बाद क्या होता है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में मेरे कहने की तरफ वही जो बारिश जो है रेगिस्तान में कुछ वृक्ष भी रहता, पेड़ भी रहता है, बहुत कम पेड़ रहता है, कौन सा पेड़ रहता है, कांटेदार पेड़ रहता है थोड़ा बहुत है, बबूल का होगा और किसी किसी ऐसे तो ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि तथा अथवा वो कैक्टस होते हैं ना, कांटादार ये भी होता है, जैसे ऐसे कैक्टस कद कैक्टस जो है उनको भी तो बारिश के लिए वो भी तो तड़पते रहते हैं, किंतु देखो 200 किलोमीटर दूर बादल छाया, बारिश ही उधार बहुत दूर से, किंतु बारिश होने पर क्या होता है ना, ठंडी हवा जो है वो लेकर के रेगिस्तान के तौर पर लाते हैं, और वो ठंडी हवा से रेगिस्तान में रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे जो कुछ भी है वो अपने, उनके कुछ क्या मिलते हैं है? कुछ राहत मिलता है, कुछ राहत मिलता है, भले ही बारिश ना मिले, पानी की बूंद नहीं मिले, किंतु कुछ तो गर्मी से कुछ तो राहत तो मिलता है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है सर्वत्र कृपा वर्षित कर रहे हैं, जैसे ये जड़ उदाहरण दिया, जड़ जगत के उदाहरण दिया, ये रेगिस्तान से बहुत दूर तक बारिश हुई और वो ठंडी हवा के लेकर के आए हैं, और उससे वहीं पर रहने के वाले जीव जो है थोड़ा गर्मी से राहत मिले, राहत समझते हो, रिलीफ मिला। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महापुरुष के ऐसे निरंकुश कृपा है, उस कृपा आदि के द्वारा चैतन्य महापुरुष समस्त जीवों के क्या करें, प्रेम रूपी
बारिश को सबको दे रहे हैं, क्योंकि बद्ध जीव की बद्ध होने के नाते जीव की वह प्राप्ति करना असंभव कहा जाता है, तथापि चैतन्य महाप्रभु कृपा करके सबकी प्रदान कर रहे हैं। वो कौन कौन जीव है, विशेष करके जो मायावादी जीव है, मायावादी कुतार्किक पंडित, ऐसे कुछ की जीव की चैतन्य महाप्रभु कृपा आदि कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया जी मायावाद के द्वारा जीव के हृदय जब दूषित हो जाता है तब उनके हृदय में भक्ति होना अतीब दुर्लभ कहा जाता है। इसलिए चैतन्य चैतन्य कहा जाता है मायावाद दोष जार हृदय पसिल चित्त तहार वज्र से माओ भेलो, मायावाद के द्वारा जिसके चित्त दूषित हो जाता है उसके चित्त कैसे हो जाता है, थंडर बोल्ड हो जाता है, इतने कर्रा हो जाता है ना। किंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे जीवों की भी क्या कर रहे हैं, प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जारे देखिए तारे दयन प्रेम बिलाइया, महाप्रभु ऐसी निरंकुश कृपा कर रहे हैं जिसको देखते हैं उसको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और महाप्रभु विचार भी नहीं कर रहे है ना, अवतारे विचार न करी लो, इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु विचार नहीं करे। और दूसरी महाप्रभु की एक विशेष कृपा क्या है, जो मैंने कहा राम आदि अवतारी क्रोधी नाना अस्त्र धरे ए भी अस्त्र ना धरी लो प्राणिकारो ना मारी लो हरि नाम दिया करी लो सुधार। राम आदि अवतार में उन्होंने किया कि गुस्से से व क्रोध से अनेकों असुर के उन्हें मार डाला, किंतु चैतन्य महाप्रभु की अवतार में चैतन्य अवतार में उन्होंने किसी को मारा नहीं, सबके प्रदान कर प्रेम प्रदान कर रहे हैं। जैसे उदाहरण दी कृष्ण अवतार के में उतना के मारने के बाद उसके धातुरुचित तो गति दिया गया है, अहो बकियं स्तनकाल कुटंग जयंस पश्चादी लेबेर धातुरुचितं ततो कतो अन्न, उसमें जो बोलते हैं श्लोक बोलो, ये सिखा भूल गए अहो बोकियं स्तनकाल कूटं जिघांस पश्चादी लिबिरे धातुचितं ततो अन्नं कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। ऐसे ब्रज में कौन और दयालु हो सकता है, कृपालु हो सकता है, बकासुर के बहिन पुतना कृष्ण के जो है बालक कृष्ण के मारने के लिए वो आई थी, वो भी अपने स्तन में कालकुट जहर विष लगा करके जहर लगा करके आई थी, किंतु कृष्ण ने क्या किया, उनको भी प्रेम प्रदान किया धातुरोचित गोतिम ऐसे भी दे दिया कोई मारने वाले की ऐसे देते हैं बहुत विरल दिखाई जाता है, मारने वाले के मारते हैं इसलिए कृष्ण उनको मार दिया। मारने के बाद उनको पता चला ये कृष्ण ऐसे कृपालु है, किंतु महाप्रभु ने किया कि मारे नहीं किसको है ना। अवतारे इस अवतार में गौरांग अवतार में कार्य न मारीला अस्त्र भी धारण नहीं किया, इसलिए कहते हैं राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धारे एवे अस्त्र ना धरी लो प्राणे कारो ना मारी लो हरि नाम दिया करी लो उधार। नाम के द्वारा नाम रूपी अस्त्र के द्वारा जीव के हृदय में जितने भी अनर्थ जड़ जो है, जड़ समझते हो ग्रंथि जो है बा जड़ होते हैं ना, रूट्स ऑफ अनर्थ है, रूट्स ऑफ अनर्थ, अनर्थ के जितने भी मूल जो है उसके भी ध्वंस कर देते हैं नाम के द्वारा। इसलिए नाम ग्रहण करने से क्या होता है आसन, हाँ नाम ग्रहण के द्वारा जीव के सारे अनर्थ नष्ट हो जाता है, क्लेशग्नि सुभदा
मोक्ष लोकताप्रीत और सुदुर्लभा सांद्रांतन विषात्म और कृष्ण आकर्षणी जैसा है। देखो नाम की पहली कहा जाता है, केवल नाम तो बहुत दूर की बात है, नाम की आभास नामाभास जिसको कहा जाता है। नामाभास से क्या हो जाता है, जीव की समस्त प्रकार के पाप राशि ध्वंस हो जाता है, है? जिस प्रकार एक अग्नि के चिंगारी है यदि रुई के ढेर में डाल दिया जाए, गिरा दिया जाए, जैसे तत्क्षणात उसी समय वो आग की चिंगारी क्या करते हैं, रुई के ढेर को क्या करते थे, जला करके भस्मीभूत कर देते हैं। उसी प्रकार नामाभास, एक नामाभास हो जाए है? जीव के हृदय में जितने प्रकार की अनर्थ है सबको ध्वंस कर देते, क्या अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश पाप पाप बीज एन कोट यह तक भी पाप वासना, पाप करने की जो इच्छा, वासना माने इच्छा भी नहीं रहेगा है। अभी पाप करने की वासना रहता है, है क्या रहता है, वो क्या रहता है वो बोलोगे नहीं, चलो पाप वासना भी कहते हैं। जीव के हृदय में पाप वासना तक भी वो क्या देते हैं, नष्ट कर देते हैं। एक केवल नामाभास कहा जाता है, और शुद्ध नाम में क्या होता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहता है सदाई नामाभास, सदाई नामापराध कबू नामाभास, ये सब जानियो भाई कृष्ण भक्तिर बाद। सदाई नामापराध हो जाता है, नामाभास जो है कदापि हो जाता है, और एक नामाभास के द्वारा जीव के हृदय में क्या होते हैं, ये सारी अनर्थ के विनष्ट करते, नष्ट कर देते हैं। वासना है, इसलिए कहते हैं आर कवि निचाई निताई चांदी करुणा हईवे संसार वासना मोर कवि तुच्छ हवे, और विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे मन कवि हम हेरव शिरवृंदावन है। महाप्रभु की ऐसे अहितु की जो कृपा है, और ये नाम की विशेष दिखा रहे हैं, और युगों में नाम की तो महिमा दिखाया गया, बात सत्य है, किंतु कलिजुग की नाम की एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। और युग में नाम के द्वारा मुक्ति तक दिखाया गया, किंतु कलिजुग में नाम के द्वारा मुक्ति तो अति सहज रूप ही प्राप्त हो जाता है। मुक्ति के ऊपर जो है और कृष्ण प्रेम तक पहुंचा देते हैं है? नाम कलिजुग में नाम की महिमा इसे ये विशेष दिखा रहे हैं। वही नाम प्रभु और नामी के में कोई भेद नहीं है, है? नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। आप नाम कर रहे हैं मतलब क्या है, साक्षात भगवान की दर्शन हो रहा है, क्यों नाम के द्वारा भगवत दर्शन होता है, है? किंतु आपके अनुभव नहीं हो रहे हैं, अनुभव है, है? अच्छा मेरा जब मेरा कहाँ गया, अच्छा इधर से है। इसलिए कहते हैं कलियुग में नाम की विशेष महिमा दिखाया गया है। इसलिए कहते हैं नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्र यही सार मर्म। और युग में भगवत प्राप्ति के लिए और अलग अलग विधि दिखाया गया, कृति धैतु विष्णु तृतांग जजते मुख दापुर परिचर्या कलु तत् तत्तना। कलिजुग में केवल नाम संकीर्तन के द्वारा, ये नाम प्रभु इतने दयाल है, एक होता है नाम होता है, नाम की स्वरूप होता है और नाम की विग्रह होता है। नाम की स्वरूप जैसे हम लोग अक्षरात्मक जो नाम कहते हैं है, नामाक्षर है, अक्षरात्मक जो नाम, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 है, ये कलिजुग के सारे कलमस, कलमस माने पाप अनर्थ है के नाश कर देते, वो भी क्या के आभास से मात्र नामाभास है। एक कृष्ण में जत पाप करे पापी श्रद्ध नाई तत पाप करे, एक यहाँ पर नाम करने से नामाभास के लिए कह रहे हैं,
एक नामाभास उदित होता है, हो जाए इतने पाप के नष्ट कर देते हैं और पाप करने की उसके इच्छा ही नहीं रहेगा है। नाम की इतने महिमा अधिकार है, वही नाम ही प्रभु संकृष्ण बा भगवत नाम, वही गौरांग के रूप, गौरांग की विग्रह, गौरांग की स्वरूप एक ही है, नाम विग्रह स्वरूप है, नाम विग्रह स्वरूप तीनेर कभू नहीं भेद। जैसे आप नाम कर रहे हैं है, अक्षरात्मक जो नाम है, षोड़श नामानी दात्रिंग अक्षरम षोड़श नामानी, 32 अक्षर युक्त षोड़श, जो षोड़श माने 16 नाम है, ये नाम क्या है, शब्द ब्रह्म कहा जाता है, नाम ब्रह्म है। साक्षात नाम प्रभु जीव के हृदय में उदित हो करके, नाम प्रभु संग जीव के हृदय में उदित होता है और उदित हो करके क्या करते हैं, जीव के सारे अनर्थ के नष्ट करा करके और प्रेम प्रदान करते हैं है? तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के नाम में इतने मधुरता है, है? जैसे चैतन्य महाप्रभु के सबसे मधुर नाम क्या है, गौर ना बा गोरा, गोविंद गो राशिमती राधिका रा, गोविंद है आ रा, राम ने राधा और गोविंद राधा, आज मानो एकत्रित होकर के मिलित होकर है आज समस्त जीवों की प्रेम प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में दे रहे हैं कौन, यदि हम सूक्ष्म रूप में विचार करें, कृष्ण और राधा जी मिलित होकर के दे रहे हैं, एक्चुअल कृष्ण नहीं दे रहे हैं, वो राधा जी ही प्रदान कर रहे हैं है? ये राधा जी की विशेष महिमा ये कलयुग में दिखाती जा रहे हैं। ऊपर से तो चैतन्य महाप्रभु के हम कह रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु सब जीवों के प्रेम प्रदान कर रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में वो प्रेम प्रदान कौन कर रहे हैं है? राधा जी ही प्रदान कर रहे हैं है? आसन ये बोलते हैं है? इसलिए ब्रज में कहते हैं ये तुम करते हो नाम होता है, करते हो तुम नाम मेरा होता है, है? तो उसमें काम कौन कर रहे हैं है? राधा जी कर रही है, प्रेम प्रदान कर रहे हैं राधा जी कर रहे हैं, नाम हो रहा है किसका, कन्हैया का होते जा रहे हैं, उल्टा होते जा रहे हैं। ये महाप्रभु ने प्रदान किया, महाप्रभु ने प्रदान किया, हल्ला मचा दिया है, किंतु वास्तव में प्रेम प्रदान कौन कर रहे हैं, श्रीमती राधिका ही प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की गहन मूर्ति श्रीमती राधिका कहा जाता है, प्रेमेर स्वरूप राधिका होन कृष्ण प्रेम कल्पलता ललिता दिशा की गंतार पल्लव पुष्प पता, राधा जी की यदि राधा जी का हन कृष्ण प्रेम रूपी कल्प वृक्षा कहा जाता है, कौन राधिका हन कृष्ण प्रेम कल्पलता, यदि कृष्ण के वृक्ष माना जाए और राधा जी के क्या माना जाएगा, उस कल्प वृक्ष की लता माना जाएगा, कृपा वृक्ष की शोभा किसमें होता है, लताओं से, और केवल लताओं के द्वारा वृक्ष की शोभा नहीं देते है, उसमें क्या होनी चाहिए, पल्लव पुष्प पता होनी चाहिए ना है, राधिका हन कृष्ण प्रेम कल्प लता है, सखीगण हंतार पल्लव पुष्प पता है, तो वृक्ष की सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होता है लताओं के साथ, और लताओं के साथ यदि ऐसे सुंदर क्या बोले पत्ता यदि खिले रहे हैं, पुष्प खिले रहे हैं और फल खिले रहे हैं है, तब वो सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होता है। अच्छा अभी आरती हो गया, फिर देखो चलो नहीं डैश में है, स्टेज का प्रोग्राम
थोड़ा समाचार लेना चाहिए ना, शुद्ध बोलते रहे हैं। देखने जा रहे हैं कौन? अच्छा देखो, इसलिए मेरे मेरा कहने की यह तात्पर्य है, इस कलयुग में जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, कौन प्रेम प्रदान कर रहे हैं? राधिका ही प्रेम प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि ऊपर से हम महाप्रभु की महाबदन्नता हम बता रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में प्रेम प्रदाता कौन है? ये राधा जी है। राधा जी कहते हो, राधा जी तो सर्वत्र कहते हैं, वृंदावन में देते हैं, किंतु राधा जी देखा क्या? ये कलयुग की जीव जो है अत्यंत जो है दुर्बल कहा जाए, दुर्बल समय तो वेरी वीकनेस है। कलि दोष निधि राजन जो एक अस्ति महान गुण, कलयुग में मनुष्य की दोषी है। गुण क्या है? कोई एक भी गुण भी नहीं है। क्या गुण है आपके बताओ? है हाँ सर, कलयुग में मनुष्य के गुण नहीं, इसलिए कहते हैं कलि दोष निधि राजन। हे राजन, कलयुग में मनुष्य केवल दोषी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मास्टर से बड़ा हुआ है। तो ऐसे कलि होते जीव के कौन कृपा करे? इसलिए श्रीमती राधे के हृदय द्रवीभूत हुआ। कब हमारे हृदय द्रवीभूत होता है और दूसरे के लिए हम कब सहायता करते हैं? किसी के दुख देख करके हृदय द्रवीभूत होता है। जो आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे से है, मजे में छे मजा मचे तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं है। दोज आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब एंजॉय द सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके लिए क्या है? चलो जैसे जाए। किंतु जो व्यक्ति अत्यंत दुख है में पड़ा हुआ है, दुष्ट कहा जाता है, खाने की कुछ नहीं है, और उनकी कोई दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, रोग शोक में जरा जीर्ण होकर के पड़ा हुआ है, भूख प्यास में तड़फ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के देख करके हृदय क्या होता है? द्रवीभूत हो जाता है। कृष्ण बोले, कृष्ण के लिए क्यों नहीं कह रहे? कृष्ण के द्रवीभूत क्यों नहीं हो रहा है? बोले कृष्ण की यदि कहें, वो तो परमात्मा स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा की क्या है? वो साक्षी स्वरूप है, विटनेस। और उसमें एक विशेष वस्तु रहता है, ये जो जीव जैसे कर्म किया उस कर्म के अनुसार वो फल भोग रहे हैं। सभी जीव इस कर्म के अधीन है, कर्माधीन कहा जाता है ना। सुख दुख के कोई हमें देने वाला नहीं है, जीव अपने अपने प्रयोजनों की कर्म के अनुसार वो सुख और दुख भोग दे रहा है। सुख दुख के भोग कर्ता माना जाता है, सुख दुख के भोग कर्ता बनते हैं जाते हैं और कुछ नहीं। इसलिए कृष्ण परमात्मा के रूप में देखा, जैसे जैसे किया, देयरफॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं भी अभी चलता हूँ। जो जीव जैसे जैसे कर्म किया उस कर्म के फल वो भोगता जा रहे हैं, भक्ता बन जाता है। तो क्या करें? ये कहते हैं सब कर्म फल भुक उमान, मनुष्य अपने अपने कर्म के फल भुगते रहते हैं, उसके लिए क्या की जाए? भोगात शांति, कर्म फल भोगना समाप्त तो हो जाए तब उसकी शांति मिलता है, ये विचार है। किंतु राधा जी की एक विषय वैशिष्ट दिखा रहे हैं। राधा जी कहते हैं ऐसे जीवों की कैसे उद्धार करें? इसलिए मानो कृष्ण के सर्व अंग की जो है अपने क्या बोले तेज बा क्या बोले लस्ट कॉम्प्लेक्स
है, उसकी ढक करके आई रहे, आई है। अर्थात मानो स्वयं कृष्ण के ऊपर अपने को क्या कर दिया, आवृत कर दिया है, कवर करके आई है। देह देही भेद अनास्ति, देह देही में भेद नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसी के रूप में आया है और सब जीवों की करुणा करते जा रहे हैं। यदि कृष्ण के रूप में आते शायद इतने कृपा नहीं करते, किंतु कृष्ण के साथ अथवा कृष्ण के सारे अंग के जो है स्वयं राधा जी अपने अंग के द्वारा ढक करके तब तो आए, यही विषय दिखा रहे हैं। इसलिए कहते हैं अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंतर कृष्ण, कृष्ण अंदर में ही है, बहिर्गौर गौर शब्द करते वही राधा जी है, किंतु लोग उसके समझ नहीं पाते। इसलिए कलिकाल में महाप्रभु कैसे जीवों की प्रदान कर रहे हैं गुरु प्रेमानंद। अच्छा हम लोग चलते हैं, अच्छा चलो जल्दी चलते नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। हैं क्या, अरे आधा घंटा हजम करना बहुत है।